Hello everyone, नमस्कार. मैं भूमिका शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. सो आज हम जिस सॉन्ग को सीखने वाले हैं वो है बोलना हल्के हल्के. ओके, इसका डांस वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. तो अब इसको सीखना शुरू करते हैं. सो इस सॉन्ग का जो स्टार्टिंग का पैच है वो थोड़ा म्यूजिकल है, म्यूजिक से शुरुआत होती है. तो मैं आपको वो काउंटिंग से आपको वो बताती हूँ किस तरीके से स्टार्ट करना. ओके, सो हियर वी बिगिन. बिगनिंग किस तरीके से है, सी इट गोज 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. ओके, काउंटिंग 8 बीट्स पे मैक्सिमम जा रही है. तो आपने शुरुआत कैसे करनी है, 1 सीधे खड़े रहेंगे एंड मूवमेंट विल बी 1, 2, 3. दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, बैक फेस्ड होकर हम स्टार्ट करते हैं. 3 and 4. क्या किया मैंने, अपने राइट लेफ्ट पैर को मैंने इस तरीके से बेंड कर दिया. अगर आप सामने से देखेंगे तो ये मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, जो लेफ्ट पैर है वो इस तरीके से बेंड होगा, कमर राइट की तरफ निकलेगी. पैर लेफ्ट पैर ऑन योर टोज, कमर राइट की तरफ निकलेगी. सो दिस हाउ यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. हाथ इस तरीके से पॉस्चर बनेगा हाथ का, और आपको अपने शोल्डर्स को भी लेफ्ट की तरफ बेंड करना है लाइक दिस. ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, 1, 2, 3 and 4. इसके बाद 3 काउंट्स आपको अपने हाथ नीचे करने हैं, 5, 6, 7, 8. तो जब 8 होगा व्हाट यू गोइंग टू डू, लेफ्ट हैंड आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट हैंड नीचे की तरफ लाइक दिस. ओके, इज इट क्लियर. इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहला जो फोर्थ काउंट पे इस तरीके से बेंड हुआ था बॉडी, देन जब हाथ आप नीचे लाए, लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड नीचे, एंड ये आपका मूवमेंट, आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखना. वी विल डू इट वंस अगेन टुगेदर. बिगिन, रेडी, 5, 6, 7 स्टार्ट. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब आपको सामने की तरफ घूमना है, 1, 2, 3, 4. तो घूमना किस तरीके से, आपके हाथ का मूवमेंट कैसा होगा, क्योंकि आप बैक फेस थे, आपका लास्ट मूवमेंट ये था. हाथ इस तरीके से सामने से लाते हुए, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के पोजीशन की तरह आपको सामने टर्न होना है. जैसे अगर मैं, ये मेरा बैक है तो मैं, ये मेरा लास्ट पोजीशन, मैं इस तरीके से टर्न होंगी. या अगर मैं पीछे से करके बताऊँ आपको, तो ये मैं बैक फेस थी, लाइक दिस आई टर्न फ्रंट. लेफ्ट साइड से घूमते हुए आपको टर्न होना है, 1, 2, 3, 4. 3, 4 थोड़ा सा स्पीड रहेगा. हाउ इट गोज, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. अब 3, 4 में मैंने क्या किया, आप मेरे हाथों को देखिए, अंदर से बाहर, सी द हैंड्स आर ओपनिंग लाइक दिस. अंदर, दिस इज द स्ट्रेट पोजिशन, ये आपका हैंड्स का पोजिशन होना चाहिए. 3 and 4, इस तरीके से हाथ ओपन होगा. ओके, क्या किया हमने, सामने हम इस तरीके से हाथ ओपन करते हुए हम घूमे, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, ये आपको ध्यान देना है, ये मूवमेंट आएगा 3, 4. देन नेक्स्ट स्टेप हुआ 5, 6, राइट एंड लेफ्ट. सी वंस अगेन, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या किया मैंने, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, 7, 8. 7 के लिए मैंने क्या किया, हाथों को खोला है, राइट पैर को लंबा किया है, 7, 8. राइट पैर को लंबा एक्सटेंड करना है और लेफ्ट के पीछे ले जाना है ऑन इट्स टोज. ओके, सी वंस अगेन, 7 and 8. क्लियर, क्या क्या मूवमेंट्स गए. अब ये हम पूरा ये म्यूजिकल पैच एक साथ समझेंगे. देखिए, इट गोज 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, आई होप इतना म्यूजिकल पैच आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसके आगे के नेक्स्ट के म्यूजिक को कवर करेंगे. सो 7, 8, ये आपका लास्ट मोमेंट कंप्लीट हुआ, राइट पैर पीछे आया. अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यू हैव टू मूव ऑन योर टोज, 1, 2, 3, 4. म्यूजिक आता है, ना 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 ना, एक हल्का सा चुलबुला सा म्यूजिक आता है, तो उस पर हमारा मूवमेंट जाएगा, 1, 2, 3, 4. मैं टोज पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, 1, 2, 3, 4. राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, और मैंने अपने लेफ्ट पैर को एक्सटेंड किया है इस तरीके से.
देन सेम उसी तरीके के मूवमेंट से वापस हाथ अप शोल्डर्स, ये आपका शोल्डर्स का पोजिशन और हाथ आपके कमर पे आएगा. ओके सी क्या क्या किया हमारा लास्ट मूवमेंट ये था. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, 1 2 3 4 बैक, 1 2 3 4. इसका काउंटिंग हम कैसे लेंगे, 1 2 बैक, 3 4. नेक्स्ट है 5 6 7 8. 5 राइट शोल्डर्स, 5 6 7 8 राइट पैर को निकाल के वापस अंदर. क्या क्या गया इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8. देन इसके बाद एक लास्ट म्यूजिक पैच है, उसमें आपको आगे बढ़ते हुए आना है 1 and 2. देखिए हाथों को इस तरीके से वेव देना है, जितना हो सके उतना ग्रेसफुल वेव. ओके सो जब हमारा ये लास्ट खत्म होगा 6 7 8, हम आगे बढ़ेंगे 1 2, हाथों को बाहर की तरफ रखते हुए एक टर्न, 3 4. वंस अगेन सीट, दो कदम आगे आएंगे, राइट लेग लेफ्ट लेग, क्रॉस योर लेग एंड टर्न. उसके बाद एक प्यारी सी बांसुरी की धुन आती है, बहुत लो रहती है उसकी साउंड, आपको उस बीट को कैच करना है. 1 2 3 4. कैसे किया मैंने, जब मैं सामने आई मैं घूमी, लेफ्ट साइड से होते हुए राइट की तरफ आपको अपनी बांसुरी को लाना है. सी बांसुरी कैसे बनाते हैं वो एक बार मैं आपको बताऊं. लेफ्ट हैंड से इस तरीके का पोस्चर लेना है, देन राइट हैंड को उस पर टच करना है और ये आपके राइट साइड पे आप इस तरीके से इसको टच करते हैं. सो हाउ द मूवमेंट गोज, 5 6 7 8. तो मैंने क्या किया है, राइट पैर को मैं घुमाते हुए पीछे ला रही, 5 6, और उस दौरान मैं अपनी उंगलियों को भी मूव कर रही हूँ. सो इट गोज 5 6 7 8. ओके तो अब इस म्यूजिकल सेकेंड म्यूजिकल पैच को पूरा समझते हैं. क्या क्या गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके तो ये दोनों था, दो अलग अलग म्यूजिकल पैच. ओके अब हम लिरिक्स पार्ट पे आते हैं. तो लास्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, 5 6 7 8. ओके अब नेक्स्ट लिरिक्स है, धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाएंगे, ये हमारा लास्ट मूवमेंट था. राइट पैर मैंने निकाला, धागे, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज यू कैन सी माय फिंगर्स, धागे 1 2 and 3, धागे. ओके सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, पैर पीछे, राइट साइड हमने निकाला, लेफ्ट साइड माय बॉडी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, धागे तोड़ लाऊं and I'll move towards the left. तोड़ लाओ, ये हैंड मूवमेंट आपको लाने का मूवमेंट आएगा, लाओ like this, 1 and 2. तो हम इसको राइट साइड से करते हुए 1 2 3, अगर आप इसमें थोड़ा और मूवमेंट करना चाहें तो मूवमेंट कर सकते हैं, पर ये मूवमेंट है किस तरीके से, आगे लेफ्ट पैर को मैं थोड़ा सा उछालते हुए तोड़ लाओ, थोड़ा सा जैसे मैंने अभी ज़्यादा मूवमेंट किया, तो ये आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. आगे राइट हैंड थोड़ा सा आगे, लेफ्ट थोड़ा सा पीछे, तोड़े लाऊं, और ये मैंने हाथों को नीचे लिया है, तोड़े लाऊं, अजय आपने कुछ चीज ले आई या लाने को कह रहे थे. ओके तोड़े लाऊं, देन चांदनी से. अब मैंने चांदनी कैसे किया है, पहले मैंने दोनों हाथों ये मूवमेंट दिया है, 1 see this 1 2, ये चांद राइट हैंड पे अपने किस तरीके से ये आप मुद्रा बनाएंगे. सो दिस इज फॉर द मून, 1 and 2. तो ये मोमेंट पूरा का पूरा किस तरीके से जाएगा, ये जब इधर से आपने वापस आए तोड़ लाऊं, देन चांदनी से, हाउ इट गोस, मैं लगभग बैक फेस हो चुकी हूँ. कैसे, आपको इस चीज को ध्यान देना है कि राइट पैर आगे हो, 1 and 2 लाइक दिस, बैक फेस हो चुकी मैं, मेरा राइट हैंड ऊपर है, 1, मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से करती हूँ, 1 and 2, 1 and 2, धागे तोड़ लाऊं चांदनी से, got it, चांदनी से नूर के लिए मैंने क्या किया है, I'm using my left hand, लेफ्ट को ऊपर से करते हुए मैं लेफ्ट पैर की तरफ नीचे लेकर आई. वंस अगेन सी दिस, ये कंप्लीट आप पैच देखिए, लास्ट हमारा ये था पोस्चर, धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के.
ओके अब यहीं से फिर से म्यूजिक आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो ये रूट पे आया, राइट पैर को घुमाते हुए आपको सामने लाना है, 1 2 फिर से देखेंगे, ये पीछे था, राइट पैर को स्लाइड करते हुए सामने लाएंगे, 1 2 1 2 1 3 सी वंस अगेन, बैक फेस थी मैंने, राइट को स्लाइड करते हुए लाया, 1 2 सेंटर पे आए, देन यू हैव टू जंप, 1 2 3 हाउ इट गोज, ये राइट को आप उछाल के लाएंगे एंड देन लेफ्ट, 1 2 यू हैव टू जंप, 1 2 3 तुरंत जंप के साथ राइट पैर साइड हो जाएगा, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6 कैसे किया मैंने, जैसे पैर जंप के बाद साइड आएगा पैर के साथ हाथ का मूवमेंट चलेगा, 4 5 एंड 6 तो इसमें राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ एंड आपका हेड का लुक भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, ओके नाउ फिर से लेते हैं वर्डिंग, इस लिरिक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, इस वाज द लास्ट पोस्चर, देन धागे थोड़े लाऊं चांदनी से नूर के नमो, 1 2 1 2 3 1 2 एंड अप ओके ये हुआ फर्स्ट लाइन, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज रिवाइंड करके इसे दोबारा देख सकते हैं, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, घूंघट ही बना लूं रोशनी से नूर के, तो अभी हमारा लास्ट मूवमेंट ये गया, अब हम यहीं से घूमेंगे, हाउ वी विल मूव, 1 2 ये करते वक्त आपको घूमना है, घूंघट कैसे लिया मैंने, हाथ ऊपर, देन एज इफ यू हैव टू इमेजिन कि जब हम कोई दुपट्टा पकड़ते हैं और दुपट्टे को किस तरीके से घुमाते हैं, तो कुछ वैसे ही मूवमेंट है ये, जब हाथ ऊपर है ये मैं घूमी, 1 एंड 2 घूंघट ही बना लूं, ओके और ये करते हुए आपको बैठना है, व्हाट आई डिड, घूंघट ही एक राउंड लेंगे सामने से, बना लूं एज इफ आप घूंघट को लेकर नीचे झुक रहे हैं, ओके मतलब आप घूंघट डाल रहे हैं, घूंघट ही बना लूं, हैंड मूवमेंट नीचे रखिएगा तो और ज्यादा प्यारा लगेगा, ये बना लूं, देन रोशनी से क्या किया मैंने, राइट हैंड अप लेफ्ट हैंड डाउन, रोशनी एज इफ किरणें होती हैं रोशनी की, हम वो दिखा रहे हैं, रोशनी से और प्यारा सा हेड मूवमेंट के साथ, ये गर्दन से आप मूवमेंट लेंगे, रोशनी से और लेफ्ट की तरफ अपने सिर को ले जाना, क्या क्या किया मैंने, ये घूमते हुए बैठी, घूंघट ही बना लूं, देखेंगे हाथों को, रोशनी से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, नूर के एंड नॉ, राइट हैंड से देखिए मैंने किस तरीके से रखा, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, नूर के एंड यू हैव टू नॉड योर हेड, तो क्या क्या मूवमेंट गया ये पूरा समझिए, यहाँ पे लास्ट हमने किया था आप, देन घूंघट ही बना लूं रोशनी से नूर के एंड नॉट, ओके तो ये था सेकंड लिरिक्स, अब इस सेकंड लिरिक्स के साथ भी छोटा सा म्यूजिक है, वेरी गुड।
सो आई थिंक अभी तक यहाँ तक के स्टेप्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो लिरिक्स है वो सेम लिरिक्स दोबारा रिपीट कर रहा है, ओके, बट इस बार क्या होगा उसके बीच में म्यूजिक नहीं है, तो अभी हम इसमें थोड़े दूसरे स्टेप्स करेंगे। तो अब जब आप घूम के आ गए हो सामने, लास्ट हमने किया घूम के सामने आए म्यूजिक में, देन अब धागे तोड़ लाऊं रोशनी से नूर के, ओके, अब देखिए स्टेप्स क्या क्या है। पीछे की तरफ हम बैंड होंगे, 1 2, व्हाट आई डिड, मैंने राइट पैर को पीछे लिया है, 1 2 3 and 4, सी वंस अगेन समझिएगा इसको, 1 राइट पैर को पीछे बेंड किया है मैंने राइट साइड, ओके, लेफ्ट पैर आगे है, धागे धागे, हाथों को घुमा के सामने बैक, धागे घूमूंगी तोड़ लाऊ, अब लाऊ में मैंने क्या किया, तोड़ में तो मैं घूम के सामने आ गई स्ट्रेट आई हूँ, लाऊ में मैंने क्या किया, लेफ्ट पैर को उठा रही, 1 and 2, जस्ट इमेजिन हम कोई डंडा या गन्ने को तोड़ते हो इस तरीके से पैर, तो क्या होगा, पैर ऊपर की तरफ जाएगा और हाथ नीचे, राइट, तो ये उसी तरीके का मूवमेंट है, लाऊ और मैंने हाथों को ऊपर दे दिया, ओके, पाम्स विल बी अपवर्ड, तो क्या क्या किया यहाँ पे, धागे तोड़ लाऊ, ओके, वंस अगेन विद द काउंटिंग, 5 6 7 गो, 1 2 3 and 4, नेक्स्ट चांदनी से नूर के, अब यहीं से हम करेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट पैर लिया था सामने लाओ, अब यहीं से हम करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा राइट हैंड सामने, चांदनी से, क्या मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, जब लेफ्ट पैर सामने है अब लेफ्ट को हम पीछे ले जाएंगे, 1 and 2, हाउ इट गोज, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था चांद बनाना, दैट वी आर गोइंग टू डू हियर, तो ये गया लेफ्ट लेग वॉज फ्रंट लेग, लेफ्ट लेग अब पीछे जाएगा, चांदनी से नूर के, दोनों हाथ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दिस इज द पोस्चर आई एम टेकिंग फॉर माई हैंड्स, ओके, इसको फिर आपको धीरे से शेक करते हुए नीचे लाना है झिलमिलाते हुए, रोशनी से तोड़ लाऊं, रोशनी से चांदनी से नूर के, ओके, और आपको अपने हेड मूवमेंट की साइड लेना है टुवर्ड्स राइट नूर के, ओके, क्लियर, क्या 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 इस एक लाइन को पूरा लेते हैं, 1 2 3 and 4 5 6 7 8, ये इस स्पीड में है सॉन्ग, देन घूंघट ही बना लूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से हम राइट साइड जाएंगे, राइट पैर को राइट साइड ले जाएंगे, 1 and 2, सी वंस अगेन क्या किया मैंने हाथ के साथ, 1 2, राइट हैंड 1, लेफ्ट आया 2, सो सी वंस अगेन घूंघट ही बना लू, तो मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, राइट हैंड इस तरीके से आया, देन लेफ्ट हैंड 3 and 4, 1 2, और घूंघट उठा के ऊपर, घूंघट ही बना लू, तो इसको पहले हम राइट साइड करेंगे फिर लेफ्ट साइड करेंगे, घूंघट ही बना लू, देन अ वेरी सिंपल मूवमेंट, रोशनी से नूर के, ओके, उंगलियों को इस तरीके से मूवमेंट लाते हुए बॉडी को थोड़ा सा टर्न करते हुए करेंगे इस तरीके से, ओके, सो सी वंस अगेन, 1 2 3 4 चेंज, 5 6 7 8, ओके, घूंघट ही बना लू रोशनी से नूर के, अब नेक्स्ट लाइन, शर्मा गई जो आगोश में लो, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, सी 1 2 3 and 4, क्या किया मैंने, राइट हैंड ऊपर है लेफ्ट हैंड नीचे, ये डायरेक्टली आप रखेंगे, इसके बाद घुमाते हुए लेफ्ट साइड की, सी वंस अगेन 1 2 3 4, शर्मा गई जो, ठीक है, हेड मूवमेंट हर बार नीचे की तरफ रखना इसमें, देन इसके बाद आगोश में लो, तो उसमें क्या करेंगे, आगोश जैसे ही वो वर्ड आएगा हम एक स्पिन लेंगे इसी तरीके से, हैंड हैंड यही रहेगा, आगोश में लो, ओके, तो मैंने अब क्या किया, मैं लेफ्ट साइड गई थोड़ा सा टोस के साथ मूवमेंट करते हुए, आगोश में लो, ओके, हाथ अंदर से होते हुए बाहर, सी वंस अगेन इन एंड आउट, बाहर की तरफ आएगा, राइट पैर स्ट्रेच एंड योर हेड मूवमेंट और योर आई लुक शुड बी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स योर राइट, सो क्या क्या गया इसमें, शर्मा गई जो राउंड आगोश में लो,
ओके तो ये यहाँ से हम लोग पूरा एक बार लेते हैं, धागे थोड़ा लाओ से वहां से हम करते हैं। ओके रेडी, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 चेंज, 1 2 3 4 वॉक, 5 6 7 8 ये हुआ। अब शर्मा गई, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगोश में लो। अब नेक्स्ट लाइन, सांसों से उलझी, तो हम इसमें क्या करेंगे, आगोश में लो, देन सांसों से उलझी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, नियर माय लिप्स, होठो के पास से होते हुए सांसों से एक वेव दे रहे हैं हैंड से। ओके सांसों से उलझी, 1 2 3 4 टू फिंगर्स, यू हैव टू लाइक डांडिया खेल रहे हैं इस तरीके का, ये मूवमेंट लेंगे, सांसों से उलझी, लेफ्ट साइड से लेते हुए गए, ये डाउन था मूवमेंट, सांसों से उलझी, देन लेफ्ट हैंड स्ट्रेच हो जाएगा, राइट हैंड को फिर से गर्दन के पास से लाते हुए, रहे मेरी ओके रहे मेरी, 1 2 3 यहाँ पे क्या है, रहे मेरी सांसे, तो उसमें एक बीट है, 1 2 3 थ्री काउंटिंग्स पे है, तो ये करेंगे, सांसों से उलझी रहे मेरी, 1 2 3 तो चेस्ट के मूवमेंट के साथ 1 2 3 हैंड विल बी इन आउट एंड इन, उसके साथ पैर को खींचते हुए लाना है, 1 2 3 ओके ये मेन लिरिक्स यहाँ पे हुआ। अब हम आते हैं जो हुक स्टेप है इसका, ठीक है, ये हुए अब क्या क्या, सांसों से उलझी रहे मेरी सा से, देन नेक्स्ट, ओके सो नाउ फाइनली वी आर हियर नियर द हुक स्टेप और द टाइटल स्टेप। ओके तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ सा से, नाउ सी द स्टेप्स, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के एंड बैक। सो क्या क्या स्टेप्स हुए यहाँ पे, लेफ्ट हैंड पीछे राइट की तरफ टर्न होंगे करते करते, 1 2 3 एंड 4 क्या किया मैंने, राइट हैंड से ये ले रही हूँ, 1 2 और ये आपको हल्का सा डिपिंग का मूवमेंट भी रखना है लाइक दिस। ओके सो ये मूवमेंट गया, 1 2 3 एंड 4 बोलना हल्के हल्के, देन बोलना हल्के हल्के, सो व्हाट आई डिड हियर, 1 2 दोनों हाथ से कर रही हूँ, 1 2 3 एंड 4 तो 2 और 3 के गैप में ही आपको तुरंत अपने राइट हैंड को इस तरीके से ऊपर ले जाना है, 3 4 कमर के साथ मूवमेंट अंदर की तरफ। ओके क्या क्या क्या, 1 2 अप 3 एंड 4 इस तरीके से लेफ्ट पैर का मूवमेंट आपको लेना है, 1 2 3 4 चेंज, 5 6 अप 7 8 तो ये हुआ, बोलना हल्के हल्के, बोलना अप हल्के। ओके नेक्स्ट, होठ से हल्के हल्के, तो उसमें हम क्या करेंगे, राइट पर आगे होठ से हल्के, अगेन टू फिंगर्स टुगेदर, राइट पैर के साथ करेंगे राइट पर आगे, 1 एंड 2 राइट पैर राइट हाथ आगे जा रहा है, 1 2 थोड़ा सा कमर का भी मूवमेंट रखिएगा, 1 2 3 एंड 4 तो मैंने इसमें क्या किया है, शोल्डर के मूवमेंट के साथ 3 4 सो 1 2 3 एंड 4 शोल्डर के मूवमेंट देते हुए आपको इसमें घूमना है, होठ से हल्के हल्के, दो बार में सामने, देन बोलना हल्के, राइट पैर स्ट्रेच, बोलना हल्के एंड राइट पैर पीछे जाएगा, 1 एंड 2 तो इस तरीके से आपको एक पोस्चर देना है जिसमें आप लेफ्ट साइड बेंड हो रहे हैं, राइट हैंड राइट पैर पीछे की तरफ है। सी ये पूरा हुक स्टेप एक बार साथ में समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 अप 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यही हुक लाइन एक बार पहले मेल वॉइस में है फिर एक बार फीमेल वॉइस में, तो इसको एक बार हम लोग फिर से काउंटिंग में करते हैं, रेडी 5 6 7 मूव, 1 2 3 4 5 6 अप 7 8 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट, 1 2 3 4 5 6 अप 7 8 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये आपका होगा लास्ट हुक। जब दोबारा लिरिक्स रिपीट होती है, जब दोबारा हुक स्टेप हुक लाइन रिपीट होता है, तब आपको क्या करना है, पहले हम खड़े थे, इस बार हम क्या करेंगे, घूम के नीचे बैठेंगे, सेम हैंड की पोजीशन सेम है, ऊपर की तरफ, राइट नी शुड बी डाउन, लेफ्ट नी शुड बी अप, और लेफ्ट साइड आपको अपना बॉडी बेंड करना। ओके, सो दिस विल बी द लास्ट फाइनल। सो आई होप आपको ये पूरे स्टेप्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी स्टेप में आपको अगर कन्फ्यूजन या डाउट आ रहा हो, तो आप उस स्टेप की क्लिप को दोबारा रिपीट बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आएंगे। सो हमारे इस ट्यूटोरियल से आप ज़रूर अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ट्यूटोरियल कैसा लगा, एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज इन द अपकमिंग डेज वी विल बी अपलोडिंग मच मोर ट्यूटोरियल्स लाइक दिस। सो कीप डांसिंग, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आप कोई दूसरा अपडेट या नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच, कीप डांसिंग।